नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं सिंगरौली ज़िले के माजन मोड़ चौराहे के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे। ये लोग जो हैं पटवारी संघ से हैं और यह अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं सरकार से, और यह जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं, इसमें से कुछ मांगों को सरकार ने इनकी मानी है या अभी तक नहीं। हम राम प्रताप बसोर। कहाँ से हम? हल्का नवानगर, तहसील सिंगरौली से। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हम लोगों को जो हमारे पूर्वजों को जो ज़मीन मिली थी 10 एकड़, उसको फिर गवर्नमेंट मध्य प्रदेश शासन घोषित कर दिए हैं, और हम लोगों का वेतन इतना कम है जिसमें हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है। 4000 आज के महंगाई में हमारी वेतन है, अब 4000 रुपये में हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे और हम लोग क्या खाएं पिएंगे। हमसे काम 24 घंटा लिया जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वेतन में वृद्धि हो या जो पूर्वजों को जो ज़मीन मिली थी उसको वापस किया जाए सरकार द्वारा। और हमको अस्थाई करके चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग। अभी जो सब लोग बैठे हैं, आप लोग साथ में ही हैं? ये पटवारी लोगों के साथ में ही बैठे हैं। अच्छा, आइए जुड़ेंगे यहाँ पटवारी संघ से जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे इन चीज़ों के लिए। आपकी मुख्य मांगें क्या हैं, कुछ वो बिंदुओं को बताइए। हमारी मुख्य मांगें केवल 3 हैं। एक तो वेतन विसंगति 2800 ग्रेड पे करने का, वर्तमान समय में 2100 ग्रेड पे है, जिसके लिए ये मांग पिछले 20 वर्ष से मतलब लंबित है। दूसरी मुख्य मांग ये है गृह जिले में स्थानांतरण। बहुत से लोग अपने ज़िले से मतलब 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर से ऊपर ही है दूर नौकरी कर रहे हैं, पटवारी की नौकरी कर रहे हैं, तो अपने गृह जिले के आसपास पहुंच जाएं। तीसरी मांग है सीपीसीटी जो है कंप्यूटर का एक प्रमाण पत्र है। लगभग सारे पटवारी कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, जिनका अभी बचा हुआ है, तो वो सीपीसीटी अनिवार्यता ख़त्म करे सरकार। एक चीज़ सुनने में और आ रहा है कि जितनी मांगें आप लोगों ने रखी हुई है अभी, उसमें से कुछ मांगों को मतलब प्रकाश में डाल के माना जा रहा है? नहीं, आज मतलब प्रांतीय नेतृत्व की जानकारी के अनुसार आज भोपाल में हमारे प्रांतीय जो भी हैं नेतृत्वकर्ता लोग, वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई परिणाम सामने आया नहीं है। अभी आपने जो अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन ये किया है, यहाँ पर आप लोगों ने बैठे हुए हैं, अगर आगे यह चलता है तो क्या आप लोगों का यह प्रदर्शन करने का तरीका बदल सकता है या इसी तरीके से आप बैठेंगे? नहीं, अब तो मांग पूरी होने तक ही यही तरीका मतलब क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा, जब तक कि सरकार हमारी मांगें पूरी स्वीकार कर नहीं लेती। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पटवारी संघ के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वह सरकार के पास लगातार अपनी बातों को लेकर रखे हुए हैं कि हमारी बातों को जब तक नहीं माना जाएगा तब तक हम अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को हम आगे तक ले जाएंगे। अब देखना यह है कि इनकी बातों को कब माना जाता है और ये वापस पुनः अपने कार्य पे जाते हैं। कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700, 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।